आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक घरेलू दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो यदि तारों का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया जाता है तो दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता ज्ञात करिए। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है अवदर्शक लेंस व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां। और प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि अगर तारों को हम लोग देख रहे हैं गैलीलियो दूरदर्शी से, तो जो तारों का प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो उस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो पहले जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी, तो अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफओ से, जो हमें दी हुई है प्रश्न में 50 सेंटीमीटर, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफ से, जो प्रश्न में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है कि तो तारों का प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है डी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि इस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो हमें स्थिति दी हुई है कि तारों का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम तारों को देख रहे होंगे गैलीलियो दूरदर्शी से, तो जो तारों का अंतिम प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तब सूत्र होता है m बराबर आवर्धन क्षमता को हम लोग n से दर्शाते हैं, तो m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी। ठीक है, तो ये सूत्र का प्रयोग करते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होता है। तो अब इस सूत्र में सारे मान रख देते हैं। तो मैं एफ ओ का मान दिया हुआ है प्रश्न में 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा माइनस के 50, एफ ई का मान है 5, 1 प्लस एफ ई का मान है 5 और डी का मान है 25। जिसको हल करेंगे तो यहाँ तो हल करने पे हमें मान मिलेगा माइनस का 10 गुणे 1 प्लस 1 अपॉन 5, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 10 इंटू 6 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई दूरदर्शी की? माइनस का 12। तो हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है माइनस का 12। और देखिए जो ये ऋण चिन्ह है, आवर्धन क्षमता चिन्ह आया ऋणात्मक, तो ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, तो जब हम लोग तारों को देख रहे होंगे और जब तारों का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो इस स्थिति में गैलीलियो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान होगा 12। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।